जैसे जैसे संपन्न होते जा रहे हैं, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, राजनीतिक तापमान भी बढ़ते जा रहा है और नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। और इसमें विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के बखलाहट है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज पांचवें चरण के चुनाव मतदान चल रहा है और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी का बयान राजीव गांधी जी के बारे में जो आया हो बेहद निंदनीय है। उसके कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं और उसके जितना भी उसकी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि राजीव जी का जो योगदान है देश के लिए वो मील का पत्थर साबित हुआ। पूरा देश और दुनिया जानता है उन्होंने संचार क्रांति की दिशा में जो काम किया है, पंचायती राज के बारे में उन्होंने जो फैसले किए हैं वो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों के निछावर किया, जिसे भारत रत्न के उपाधि से मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से उसे नवाजा गया, सम्मानित किया। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी के जो शब्द निकले हैं वो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक प्रधानमंत्री, किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत के बारे में इस प्रकार से बयान करेगा। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जी के मन में न देश प्रेम है, न राष्ट्र प्रेम है, न त्याग के प्रति सम्मान है, उसको केवल कुर्सी प्रेम है और सत्ता प्रेम मत, सत्ता पाने के लिए वो किसी स्तर पर नीचे उतर सकते हैं। कितना नीचे गिर सकते हैं इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, इस बात से स्पष्ट हो जाता है जो राजीव गांधी के बारे में उन्होंने कहा है। दूसरी बात, राजीव जी को इस दुनिया से गए, वर्षों बीत गए और आज उनके बारे में बोलना, वो भी चलते चुनाव में, इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और कुछ भी आए बाएं बोलना शुरू कर दिए। इसे चिकित्सा की आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं 3-4 घंटे सो पाता हूँ। तो जो आदमी यदि नींद ना ले तो उसकी मानसिक दशा खराब हो ही जाती है और जो वर्षों से इस प्रकार से पीड़ित है, अनिद्रा से पीड़ित है, वो व्यक्ति इसी प्रकार की बात करेगा। इसे देश के सर्वोच्च पद में नहीं रहना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि अब स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है।